हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स कैसे हैं आप लोग बेटा तो ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म की बात करेंगे क्लोटिंग फैक्टर्स को याद रखने का एक शॉर्ट वीडियो जिसमें मैंने इजी इजीजी एक ट्रिक दी हुई है आपके अपने चैनल बायोनीथी एनर्जी पर ऑलरेडी अपलोडेड है आप वहां से उनको लर्न कर सकते हैं ब्लड क्लोटिंग का मैकेनिज्म बच्चों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं थर्टीन फैक्टर्स आर इन्वोल्व तो बच्चे सोचते हैं कि ये ईजिली याद नहीं होगा लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक वे से इफेक्टिव बेसिक्स याद करके उसको अगर लर्न करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा तो हम उसी तरह से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला वर्ड जो आता है बच्चों जब इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं दैट इज हिमोस्टेटिस हिमोस्टेटिस क्या होता है सिंपली इट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग पूरी की पूरी जो प्रोसेस हम डिस्कस करने वाले हैं जो मैकेनिज्म हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड क्लोटिंग का उसको हम क्या कहते हैं हिमोस्टेटिस अब इसमें दो वर्ड बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। एक वर्ड होता है कोएगुलेशन एंड सेकेंड वर्ड इज ब्लड क्लोटिंग या ब्लड क्लोट तो दोनों में बेसिक डिफरेंस अगर आपको पता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कोएगुलेशन का मतलब है बेटा कि ब्लड लिक्विड से जेल फॉर्म में चेंज हो जाता है ब्लड चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू जेल लिक्विड से जेल फॉर्मेशन में चेंज होना ब्लड का दैट इज नोन एज कोएगुलेशन फिर क्लोट क्या होता है जी मास ऑफ कोएगुलेटेड ब्लड एक ग्रुपिंग है मास है मास ऑफ कोटेड ब्लड जो कहां पे प्रेजेंट है ट्रैप्ड इन फाइब्रिन ट्रैप्ड इन फाइब्रिन फाइब्रिन क्या है आगे बात करेंगे तो वो क्या कहलाएगा ब्लड क्लोट तो कोशन और ब्लड क्लोट का बेसिक डिफरेंस आपको पता चल गया अब आपके दिमाग में भी आ सकता है कि जी फिर बॉडी में ये, क्यों नहीं होता पहली बात तो आप समझ लीजिए बॉडी में क्लोट बन गया तो बड़ी सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है और रीजन क्या है कि क्लोट क्यों नहीं बनता तो हमारी बॉडी में एक केमिकल होता है हिपेरिन हिपेरिन इज आप कह सकते हैं नेचुरल ब्लड एंटी को एगुलेंट कि ब्लड को क्लोट नहीं होने देता उसका थक्का नहीं बनने देता ये बॉडी का आप कह सकते हैं सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है अब जो ये पूरी प्रोसेस है मैकेनिज्म की या हिमोस्टेटिस की आप उसको तीन स्टेजेस में डिस्कस कर सकते हैं तो देर आर थ्री स्टेजेस सबसे पहला जो स्टेज होता है दैट इज कॉल्ड वैसो डायलेशन उसके बाद आता है आपका सेकेंड वन इज नॉन एज प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन एंड थर्ड वन इज नॉन एज कोएगुलेशन तो जो हेमोस्टेटिस की बात करी हमने हेमोस्टेटिस की दो फेजेस होती है प्राइमरी फेज एंड सेकेंडरी फेज प्राइमरी फेज में जो अनस्टेबल प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होगी तो यहां से यहां तक क्या कहलाएगा प्राइमरी स्टेज ऑफ हिमोस्टेटिस और ये जो है सेकेंडरी स्टेज ये भी समझ में आ गया आपको ये भी बात समझ में आ गई चलिए तो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं अगर ये समझ में आ गया है तो, तो पहला वैसोडाइलेशन देखिए ये आपकी ब्लड वेसल है ठीक है क्लियर अब अगर ये नैरो हो जाए तो उसको क्या कहेंगे डायलेशन डाइलेश, नहीं वैसो सॉरी वैसो कंस्ट्रक्शन लिखना है यहां पे पहला स्टेप क्या है वैसो कंस्ट्रक्शन ये नैरो हो जाए तो क्या कहलाएगा वैसो कंस्ट्रक्शन मतलब नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल इज नोन एज वैसो कंस्ट्रक्शन तो पहले स्टेज में ये हुआ अब ये जो ब्लड वेसल है अगर आर्टरीज और वेन्स का आपको डिफरेंस पता हो या उसके लेयर्स याद हो आपको तो ये थ्री लेयर स्ट्रक्चर होती है तो थी एक्सटर्ना सबसे बाहर की लेयर होती है और जो सबसे अंदर की लेयर है उसको एंडोथेलियम कह देंगे राइट दैट इज एंडोथेलियम तो जैसे ही प्चरिंग होगी चोट लगेगी इंजरी होगी तो ये एंडोथिलियम डैमेज होगा ठीक है और ये बाहर की तरफ आके थिका एक्सटरना को भी जो लेयर है, उसको डैमेज करेगा जिससे थिका एक्सटरना में जो कोलेजन फाइबर्स हैं, वो एक्सपोज हो जाएंगे कोलेजन फाइबर्स आर एक्सपोज बात समझ में आई डैमेज हुआ इंजरी हुई एंडोथिलियम डैमेज हुआ उसने थिका एक्सटरना को डैमेज किया जिससे वहां पे जो प्रेजेंट थे कोलेजन फाइबर वो एक्सपोज हो अब जैसे ही एक्सपोज होगा जो प्लेटलेट्स हैं दिस प्लेटलेट्स दे स्टिक कोलेजन फाइबर्स एंड गेट्स एक्टिवेटेड तो प्लेटलेट्स एक्टिवेटेड हो गए ठीक है जी तो ये पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया पहली स्टेज आपकी कंप्लीट गई नाउ सेकेंड स्टेप इज प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन अब जो ये प्लेटलेट है वो एक प्लग फॉर्म करेंगे कैसे होगा वो अब हमारे पास क्या है देखिए हमारे पास प्लेटलेट है हमारे पास जो कोलेजन एक्सपोज हुआ था वो है और हमारे पास डैमेज एंडोथेलियम है ये तीन स्ट्रक्चर्स हैं। यस और नो अब ये प्लेटलेट स्टिक कर रहे हैं टू तो कोलेजन और उसकी वजह से ये ग्रेन्यूल सिक्रीट करेगा प्लेटलेट सिक्रीट ग्रेन्यूल टू एक्टिवेट अदर प्लेटलेट्स और ये प्रोसेस कंटिन्यू हो जाती है इसको समझते हैं देखिए ये एक ब्लड वेसल है ये डैमेज हुई है तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं सो दिस इज डैमेज ब्लड वेसल राइट अब यहां पे प्लेटलेट्स है दीज आर लेटलेट्स ये आपकी ब्लड वेसल है जो कि डैमेज हुई है नाउ यहां पे क्या-क्या प्रेजेंट है देखिए ये अंदर की साइड में एंडोथेलियम है ये एंडोथेलियम लेयर है जो कि डैमेज हुई रप्चर हुई बाहर की तरफ क्या होगा यहां पे ये कोलेजन फाइबर्स आपको दिखेंगे मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूं यस इससे बना देते हैं यहां पे ये कोलेजन फाइबर्स हैं जो एक्सपोज हो गए जिनसे प्लेटलेट आके स्टिक कर जाएगी और इसके साथ साथ यहां पे है ये क्या है स्मूथ मसल्स राइट बच्चों ठीक है तो नाउ इन दिस एरिया एंडोथिलियम डैमेज होके कोलेजन फाइबर एक्सपोज हो गया तो एक फैक्टर रिलीज होगा जिसको आप वोन विलबर्न फैक्टर कहते हैं कौन सा फैक्टर रिलीज होगा वॉन बेलबर्ट फैक्टर मैं इसको शॉर्ट में वी डब्ल्यू एफ से लिख देता हूं वीडब्ल्यू फैक्टर से लिख देता हूं ठीक है तो ये फैक्टर यहां पे रिलीज हुआ डब्ल्यू वी डब्ल्यू एफ है ठीक है अब प्लेटलेट जो थी वो आके इस फैक्टर के साथ बाइंड कर जाएगी ठीक है यहां पे कोलेजन फाइबर्स भी हैं उनके साथ भी ये बाइंडिंग हो गई अब ये जो प्लेटलेट्स है इसमें कुछ ग्रेन्यूल्स है वो इन ग्रेन्यूल्स को सिक्रीट कर देगी जो बाकी दूसरी प्लेटलेट्स को भी एक्टिवेट कर देंगे और प्लेटलेट की शेप चेंज हो जाएगी ठीक है उसकी वजह से यहां पे एक, एक प्लग बन गया मतलब एक एंट्री को रोकने वाली एक स्ट्रक्चर बन गई ये बाकी को क्यों एक्टिवेट किया क्योंकि देखो एक प्लेटलेट तो ब्लड फ्लो को रोक नहीं सकती तो इसके लिए दूसरी प्लेटलेट्स को भी एक्टिवेट होना पड़ेगा ठीक है ना अब ये सारी क्या कर रही है दे गेट स्टिक टू ये सारी की सारी एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स जो हैं, ये क्या कर रही हैं? एडर कर रही हैं, एडर का मतलब स्टिक कर रही हैं, टू इंजरी साइट ठीक है उसके साथ चिपक गई तो एक तरह से ये प्लेटलेट ने एक प्लग बना दिया तो दिस इज सेकेंड फेज या सेकेंड स्टेज अब थर्ड स्टेज में क्या होगा कोएगुलेशन होगा तो अभी तक जो प्लग बना जो प्लेटलेट प्लग बना है वो टेम्पररी है प्लेटलेट प्लग इज टेम्प्ररी अगर एक्सेसिव ब्लेडिंग हो गई तो क्या होगा डीप कट हुआ तो क्या होगा तो एक्सेसिव के केस के में क्या होगा उसको रोकने के लिए कोएगुलेशन होता है कोएगुलेशन के लिए जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं कितने क्लोटिंग फैक्टर्स हैं एक बार कमेंट सेक्शन क्या, में लिखिए क्लोटिंग फैक्टर्स गेट्स एक्टिवेटेड तो जो कोएगुलेशन पाथवे है वो दो तरह से काम करता है दो पाथवे को फॉलो करता है एक्सट्रेंसिक पाथवे एंड इंट्रिंसिक पाथवे ये दोनों के दोनों पाथवे इंपॉर्टेंट हैं दोनों कैसे काम करते हैं चलिए आप पहले आप आपको वो बताते हैं एक्सटेंसिक एंड इंटेंसिक पाथवे तो अभी तक जो मैंने बताया उसमें मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि ये जो क्लोटिंग फैक्टर्स है क्लोटिंग फैक्टर्स आर एंजाइम्स तो क्या करेंगे फास्ट कर देंगे ब्रेक डाउन ऑफ अनदर प्रोटीन जनरली को फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन आर बॉडी इन इनएक्टिवेटेड फॉर्म ठीक है एंड वाइटामिन के जिसको हम क्या कहते हैं फाइलोक्नोन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग और क्वेगुलेशन फॉलोज ए कैस्केड मैकेनिज्म कैस्केड का मतलब क्या होता है कैस्केड पाथवे क्या होता है कि इंटर रिलेटेड है इंटर डिपेंडेंट है कि जब तक एक एक्टिवेट नहीं होगा वो दूसरा एक्टिवेट नहीं होगा और दूसरा अपना काम नहीं कर पाएगा तो सीरीज ऑफ एक्टिवेटिंग प्रोटीन क्लोटिंग फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लोटिंग ठीक है बच्चों यहां तक कोई कंफ्यूजन चलिए तो अब दोनों की बात कर लेते ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस है वो तीन स्टेप में कंप्लीट होती है थ्री स्टेप प्रोसेस पहला स्टेप बच्चो फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम एक्टिवेटर ठीक है सबसे पहले एक्टिवेटर की फॉर्मेशन होगी कैसे होगी देखिए इंजर्ड टिश्यू है कहीं पे भी चोट लगी है राइट right? अब वो क्या करेगा वो क्या करेगा वो रिलीज करेगा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन ठीक है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा और ये फैक्टर सेवन की प्रेजेंस में सारे फैक्टर्स अभी आपको बताए जाएंगे फैक्टर सेवन की प्रेजेंस में ये जो फैक्टर टेन है जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है उसको एक्टिव कर देगा ठीक है और ये एक्टिव फैक्टर टेन फैक्टर फाइव की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना देगा ठीक प्रोथ्रोम्बिन

जो अभी हमने डिस्कस किया था वही सारा आएगा कि इंजरी हुई डैमेज हुआ हमारे बॉडी टिश्यूज को तो जो ब्लड एक्सपोज हो गया किसको कोलेजन ऑफ ब्लड वेसल्स ये देखा था हमने कोलेजन ऑफ ब्लड वेसल अब ये क्या करेगा प्लेटलेट्स इससे अटैच हो जाएंगी यस और नो प्लेटलेट्स अटैच टू एक्सपोज कोलेजन और वो क्या करेंगी वो करेंगी फैक्टर ट्वेल्व जो कि अभी कैसा होगा इनएक्टिव फॉर्म में होगा उसको एक्टिव कर देगी फैक्टर ट्वेल्व बिकम एक्टिव बात समझ में आई अब ये एक्टिव ट्वेल्व फैक्टर एक्टिवेट कर देगा फैक्टर इलेवन को उल्टा चलना है तो इलेवन फैक्टर एक्टिवेट हो गया और ये एक्टिव इलेवन फैक्टर कैल्शियम की प्रेजेंस में जो इनएक्टिव फैक्टर है, उसको एक्टिव कर देगा एक्टिव फैक्टर नाइन अब आप सोचोगे फैक्टर टेन कहां गया तो मैंने क्या कहा था ये कॉमन है दोनों में तो अब आएगा फैक्टर नाइन सॉरी फैक्टर टेन तो फैक्टर एट की प्रेजेंस में और कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में ये क्या कर देगा इनएक्टिव फैक्टर टेन को एक्टिव फैक्टर टेन में चेंज कर देगा तो टेन फैक्टर एक्टिव हो गया तो जैसे ही फैक्टर टेन एक्टिव हुआ एक्टिव फैक्टर टेन इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर फाइव क्या करेगा प्रोथ्रोम एक्टिवेटर बना तो देगा प्रोथ्रोम एक्टिवेटर की फॉर्मेशन कर देगा ठीक है बच्चों मेरे

तो ये हमारा हो गया स्टेप वन दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ठीक है बच्चों अब क्या होगा अब सेकंड स्टेप होगा सेकंड स्टेप क्या था कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन की फॉर्मेशन हो जाएगी प्रो प्रो का मतलब ये इनएक्टिव है ना हमारी बॉडी में सारे प्रेजेंट है लेकिन इन फॉर्म में प्रेजेंट है तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की प्रेजेंस में और कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में यह प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये सेकेंड स्टेप है जो कि कॉमन है दोनों पाथवेज के लिए एंड फाइनली इन थर्ड स्टेप कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है फाइब्रिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन है ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है हमने पढ़ा था तो जो फाइब्रिनोजन है इट इज इन सॉरी प्लाज्मा में तो सोल्यूबल है सॉरी सोल्यूबल इन प्लाज्मा और इस थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में ये किस किसमें कन्वर्ट हो गया फाइबर मोनोमर बना दिया इसने सॉरी फाइब्रिन मोनोमर बना दिया इसने ठीक है जी अब ये फाइब्रिन मोनोमर है इनसोल्यूबल और इट अंडरगोज पोलिमराइजेशन चेन बन जाएगी फाइब्रिन मोनोमर्स की फैक्टर थर्टीन की प्रेजेंस में तो फाइब्रिन थ्रेड्स की फॉर्मेशन होगी विच फॉर्म्स द क्लोट इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि इस तरह से एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम क्लोट कहते हैं तो आप देख रहे हैं कि सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं एक सीरीज सिक्वेंशनल मैनर में काम कर रहे हैं जहां पे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है इसलिए इसको क्या कहा जाता है कैस्केड मैकेनिज्म ठीक है बच्चों कैस्केड मैकेनिज्म इसको कहा जाता है ठीक यहां तो कोई कंफ्यूजन कोई समस्या कोई इफ बट एक बार फटाफट -पट मैं एंटीकोएगुलेंट्स के बारे में भी आपको बता देता हूं कुछ इंपोर्टेंट एंटीकोएगुलेंट्स स्टॉप ब्लड क्लोटिंग जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लड क्लोट नहीं बनता या ब्लड बैंक में ब्लड जो इकट्ठा होता है वहां पे ब्लड क्लोट नहीं होता सबसे कॉमन जो नेचुरली हमारी बॉडी में मिलता है दैट इज मैंने बताया था हिपेरिन कहां से आता है मास्ट सेल्स जो है हमारे वहां से रिलीज होता है इट इज एट्रोपोलिस दो डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट से बनता है यह क्या कर देता है थ्रोम्बिन थर्ड को बढ़ा देता है एंटी थ्रोम्बिन बात समझ में आ गई थ्रोम्बिन के अगेंस्ट एंटी थ्रोम्बिन थ्री को इंक्रीज कर देता है उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ा देता है एंड कैन से रिड्यूसेस या डिक्रीजेस फॉर्मेशन और थ्रोमिन नहीं बनेगा तो क्लोट की फॉर्मेशन नहीं होगी दूसरा जो एंटीगोगुलेंट है इट इज ऑप्टेंट फ्रॉम लीच सलाइवा ऑप्टेंड होता है में और लीच में प्रेजेंट होता है तो ओल्डर टाइम में ब्लड क्लोड को रिमूव करने के लिए बॉडी पे लीच छोड़ देते थे तीसरा है ये प्लांट से ऑप्टेन किया जाता है तो ये क्या करता है इनिबिट कर देता है फैक्टर्स की फॉर्मेशन को फैक्टर कौन कौन से सेकंड सेवन नाइन टेन फैक्टर्स की फॉर्मेशन को इनिबिट कर देगा तो उसकी वजह से जो पोटेशियम आयंस हैं उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी एंड लास्टली जिनको हम कहते हैं चिलेटिंग एजेंट्स चिलेटिंग एजेंट क्या होते हैं केमिस्ट्री में अपने पढ़ा होगा चिलेट्स विच बाइंड विद कैल्शियम आयंस और हमने देखा है कैल्शियम आयंस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है अलोंग विद विटामिन के इन ब्लड तो चिलेटिंग एजेंट्स में आ जाता है ईडीटीए टी डायमिन टेट्राएसिटिक एसिड सोडियम ऑक्सलेट, सोडियम ऑक्सलेट या सोडियम सिट्रेट ये सारे के सारे क्या हैं चिलेटिंग एजेंट्स जो एंटीकोगुलेटर के का, का काम करते हैं ब्लड क्लोट को रोक देते हैं अब वो ट्रिक की जो मैं बात बता रहा था कि कैसे इफेक्टिवली आप सारे के सारे क्लोटिंग फैक्टर्स याद रख सकते हैं बड़ा इजीली तीन मिनट में ट्रिक क्या है ट्रिक याद करने से पहले आपको मैं बता दूं कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कमीशन वही सब डिसाइड करता है इंटरनेशनल कमीशन किसका ऑन ब्लड को ऑन ब्लड कोएगुलेशन एगुलेशन फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लोटिंग बट फैक्टर सिक्स जो है वो कुछ लोग उसको हाइपोथेटिकल कहते हैं उसका नाम बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता एसेलरीन कहते हैं उसको ये हाइपोथेटिकल या इनएक्टिव इसलिए माना जाता है कि इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता अब आप इंडिपेंडेंटली तो, तो कोई भी काम नहीं करता बेटा वो सारे एक सीरीज sequential manner में काम कर रहे हैं ये नहीं आता में ठीक है तो ये प्रोथ्रोम्बिन भी लीवर में सिंथेसाइज होगा मोस्टली नहीं होगा वो मैं आपको बता देता हूं थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है इट इज रिलीज फ्रॉम डैमेज प्लेटलेट्स फ्रॉम डैमेज प्लेटलेट्स इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम वो प्लास्टिक ठीक है उसके बाद फैक्टर थर्टीन जो है रिलीज फ्रॉम प्लेटलेट्स यह भी प्लेटलेट रिलीज करती है उसके अलावा जो भी फैक्टर्स हैं दे आर रिलीज फ्रॉम द फ्रॉम द लीवर क्रिसमस फैक्टर फैक्टर नाइन इसकी डेफिशिय से क्रिसमस डिजीज हो जाती है ठीक है जी क्रिसमस डिजीज हो जाती है ये एंटीमाफिलिक फैक्टर बी बी कहलाता है ये ए हो जाएगा तो एंटीमोफिलिक फैक्टर ए एंड बी अब ट्रिक क्या है यहां पे मैं लिखता हूं आपके लिए बोलो ये मेरे साथ साथ बोलो फुलिश पीपल ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग स्लोप्स ये सिक्स के लिए कर दिया मैंने डैश ठीक है तो फुलिश पीपल ट्राई थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लाइंबिंग से कैल्शियम हो गया लेबाइल फैक्टर एंड नो स्लोप से स्टेबल फैक्टर आफ्टर क्रिसमस फ्टर क्रिसमस फैक्टर नाइन समीपल स्टूर्टर प्लाज्मा थ्रोमोप्लास्टीन सम पीपल है फुलिस्ट पीपल ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग स्लोप आफ्टर क्रिसमस सम पीपल है इससे रिलेटेड शोर्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति पर डाला हुआ है आप वहां से देख सकते हैं ठीक है जी अगर कोई भी इफ वट डाउट है कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप अपने स्टडी डेस्टिनेशन बाय के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं क्लास नोट की पीडीएफ आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन सेक्शन अगर चीजें समझ में आ गई हैं तो एक लाइक करके सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिले अब इसके बाद क्या डिस्कस करना है आप बताइए देखिए हमने ब्लड की कंपोजिशन पढ़ ली हमने मैकेनिज्म पढ़ लिया ब्लड क्लोटिंग का अब हम बात करेंगे हार्ट की हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स की ठीक है बच्चों